स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग जो ट्रेन से आते हैं उसमें या फिर जाते हैं तो ट्रेन से ट्रेवल करते हैं उसमें पैसा हम लोगों को लगता है कि नहीं लगता है। पास मिलता है तो उसका यूज हम मतलब कितना बार कर सकते हैं, मतलब कितना पास मिलता है उसमें हम लोगों को कितना पैसा लगता है या फिर नहीं लगता है। साथ ही बात करेंगे कि हमारे पास से कौन कौन यूज कर सकता है, मतलब मेरे पास से कौन कौन ट्रेवल कर सकता है, किन किन को बेनिफिट मिल सकता है, क्या हम अपने दोस्त को घुमा सकते हैं फ्री में या फिर मतलब किन किन को घुमा सकते हैं, उन सारी चीज पे जो भी आप लोगों का डॉट था, आप लोगों का बराबर जो हमारा लास्ट ब्लॉग था उसमें आप लोगों का बराबर कमेंट था कि क्या आपको पैसा लगता है कि नहीं लगता, इससे रिलेटेड बहुत सारा कमेंट था। सोचे क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों को इसके रिगार्डिंग बात किया जाए और आप लोगों को बतलाया जाए क्या क्या होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह के कंटेंट के लिए। और सबसे पहले हम आप लोगों को बतला दें कि जो हम लोगों का पास मिलता है मतलब कि प्रिविलेज पास, जो कि मतलब बहुत सारा पास मिलता है, लेकिन जो ट्रेवल का होता है मतलब कि आपको घर जाना है या फिर कहीं घूमने के लिए जाना है एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर इससे रिगार्डिंग मतलब ट्रेवल करना है आपको लंबा, मीन्स कि ड्यूटी वाला सब छोड़ के मतलब ड्यूटी आना जाना ये सब छोड़ के घर आना जाना है तो इसके लिए हम लोगों को प्रिविलेज पास मिलता है साल में 2 और इसके अलावा पीटीओ मिलता है साल में 4। तो पीटीओ का मतलब होता है कि उसमें कि हम लोगों को 130 रुपीज मतलब कि अगर टिकट 1200 रुपए का है तो हम लोगों को 400 रुपया पे करना पड़ेगा पीटीओ को यूज करने के लिए। लेकिन जो प्रिविलेज पास मिलता है 2 उसमें हमको कोई पैसा नहीं लगता है, आने जाने का हम टिकट बनवा सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन आप सोचिएगा कि 2 बार से ज्यादा तो हम वैसे भी आते जाते नहीं है, अगर आते जाते हैं तो पीटीओ का यूज कर सकते हैं, राइट। और अगर हमारा सर्विस 5 साल क्रॉस कर जाता है तो हम लोगों को जो 4 प्रिविलेज पास मिलेगा, मतलब कि जो 2 प्रिविलेज पास मिलता था उसका 4 हो जाएगा और पीटीओ तो 4 मिलता था फुल पीटीओ, मीन्स कि आने जाना फुल पीटीओ, फुल प्रिविलेज पास मीन्स कि आने जाने दोनों का, तो ऐसा कुछ रहता है ट्रेवल करने के लिए, राइट। ये तो हो गया मतलब कि जो ऑफिशियली होता है, लेकिन होता क्या है जनरली कि मीन्स हम लोगों को अगर घर जाना रहता है तो हम लोग कैसे करते हैं, मतलब कैसे करके आते जाते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि पास हम लोग पहले से बनवा के रखते हैं प्रिविलेज पास जो होता है वो पहले से बनवा के रखते हैं, क्योंकि उसका वैलिडिटी 5 मंथ का होता है और उसको बनवाने में थोड़ा टाइम भी लगता है, 10 दिन का आसपास लग जाता है। तो हम लोग वो पहले से बनवा के रखते हैं कि अगर घर जाने का जरूरत पड़े तो कोई दिक्कत न हो। लेकिन होता क्या है कि मतलब अगर जो हम लोग छुट्टी लेते हैं उसमें बहुत सारा मतलब पता नहीं रहता है कि कब छुट्टी मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम लोग टिकट नहीं बनवा पाते हैं, मीन्स की टिकट आने जाने का टिकट नहीं बनवा पाते हैं, मतलब क्योंकि छुट्टी ही उसी दिन मिलता है फिर उसी दिन हम लोगों को जाना निकलना होता है। तो जनरली कभी कभी टिकट नहीं बनवा पाते हैं, तो जो हमारा पास होता है वही हम लोगों को काम कर जाता है ट्रेवल के लिए, और पास दिखलाकर हम जो है सो ट्रेवल कर लेते हैं, मतलब कि अगर हमको जाना आना रहता है तो ट्रेवल कर लेते हैं। बाद में अगर टीटी भी अगर देखेगा तो वो पास दिखाकर हम टिकट भी अपना बनवा सकते हैं और सीट रिजर्व कर सकते हैं अपना, लेकिन वो पास होने से भी हम ट्रेवल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम टिकट बनवा लेते हैं तो हमारा अपना सीट मिल जाता है उस पास के थ्रू, सीट मिल जाने से क्या होता है तो हमको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर रात का मतलब ट्रेवल है मतलब रात को काटना है तो रात के लिए कोई अपना अगर सीट रहता है तो आराम से उसमें जाकर सो जाइए और फिर आप आराम से मतलब घर पहुंच जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन अगर आप सीधा पास से ट्रेन पे चढ़ गया और मतलब पास दिखला कर आप तो ट्रेवल तो कर सकते हैं लेकिन आपका अपना सीट नहीं रहेगा, तो इससे क्या होगा कि आप इस सीट पे बैठिए और दूसरा सीट अगर खाली नहीं है तो बस आपको खड़ा होकर जाना होगा या फिर मतलब बैठ के जो खाली है उस पे बैठिए, तो एक सीट से दूसरे सीट आप मतलब आपका कोई सीट नहीं रहेगा, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग मतलब टिकट बनवा लेते हैं, लेकिन टिकट अगर मतलब छुट्टी चूंकि कंफर्म नहीं रहता है तो टिकट नहीं बनवा पाते हैं, और लास्ट के दिनों में तो सीट खाली ही नहीं रहता है तो टिकट हम लोग जनरली नहीं बनवा पाते हैं, ये मतलब हम लोगों का मजबूरी हो जाता है। लेकिन बनवा लेने से ये फायदा होता है कि मतलब हम लोगों को सीट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप टिकट नहीं बनवा पाए तो आप ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, बस हम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बाकी अगर आपको पता है कि हमको मतलब जाना है बहुत पहले से तो आप टिकट पहले से बनवा के रख सकते हैं, बाकी उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी में जाना रहता है तो हम लोग टिकट नहीं बनवा पाते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद अब बात करते हैं कि पास हम लोग मतलब कौन कौन यूज कर सकता है हमारा पास, मतलब कि हम उस अपने पास से किन किन को उसका सुविधा दिला सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपका फैमिली होगा, मतलब कि आप हैं, आपका फैमिली में मतलब इतना ही आता है कि आपका वाइफ और जो भी आपका बच्चा है और जो भी आपका चाइल्ड होगा वो, मतलब आपकी वाइफ और आपका जो चाइल्ड होगा वही फैमिली में आता है। इसके अलावा माता पिता मतलब नहीं आते हैं, उनको मेडिकल भी फैसिलिटी नहीं मिलता है, साथ ही मतलब पास का भी फैसिलिटी नहीं मिलता है तब तक जब तक कि आपके पापा हैं, और उनके गुजरने के बाद मतलब आपकी माँ को उनको उनका जो फैसिलिटी मेडिकल फैसिलिटी हो या पास का फैसिलिटी आप को मिलेगा, क्योंकि देखिए आपके फैमिली और आपके डिपेंडेंट मतलब जो कि आप पे डिपेंड है
मतलब कि अगर आपकी आपका पापा मम्मी नहीं है या फिर पापा नहीं है तो आपका जो छोटा भाई है उनका उनको भी इसका फैसिलिटी मिलेगा। मीन्स की बस इतना जानिए कि आपका फैमिली और आपका जो डिपेंडेंट है, जो कि आप पे डिपेंडेंट है, उनको भी पास का सुविधा मिलेगा। जिसे पास मिलता है तो उनसे आप जो आप पास बनवाइएगा कि कितना से कितना, कहाँ से कहाँ तक बनवाते हैं पास। जिसे हम लोग पास बनवाते हैं डिब्रूगढ़ से सीधा दिल्ली तक का, और इसके बीच में जो है सो कुछ पांच मतलब दे सकते हैं ब्रेक पॉइंट, तो उससे जितना भी मतलब उसमें हम लोगों का फैमिली है या फिर जितना भी डिपेंडेंट है उसके बीच में आप कितना भी टिकट बनवा सकते हैं आने जाने का, सबका अलग अलग। तो ये मतलब है कि ये नहीं है कि आप पास है आपका एक ही टिकट बनवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब आपका जितना भी उस पे डिपेंडेंट है या फिर जितना भी मतलब जितने के नाम से आप वो प्रिविलेज पास इशू करवाए हैं उन सभी के लिए आप टिकट उससे बनवा सकते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा जो भी हम बतलाने का कोशिश किए होंगे, या फिर जो भी आप लोगों का मन में डॉट होगा, आप लोग जो भी कमेंट किए थे वो लोग सभी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल। और आप लोगों में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप अभी जो आए हैं वो किस तरह से आए हैं, मतलब टिकट बनवाए थे या नहीं बनवाए थे या फिर पास से आए हैं, तो आप लोगों को बतला दे कि हमारे पास, मैं पास बनवाया था मार्च में, तो उसका वैलिडिटी अभी था, अभी तो जून ही हुआ है, मतलब मार्च अप्रैल मई जून चार ही मंथ हुआ, तो उसी के थ्रू हम मतलब आ गए घर, कोई दिक्कत नहीं हुआ। टिकट नहीं बनवा पाए क्योंकि वैसे भी सीट तो खाली नहीं रहता है, और मेरा जो घर आने का प्लान मतलब वो प्री प्लान नहीं था, मतलब एकाएक प्लान बना कि चलो घर जाना है, तो ऐसा में क्या हुआ कि मेरा जो छुट्टी भी था वो मतलब पहले से इशू नहीं था और हम इसलिए टिकट नहीं करवा पाए। जिस दिन छुट्टी मेरा इशू हुआ उसी दिन हमको घर निकलना हुआ, तो मतलब टिकट तो नहीं बनवा पाए, मतलब वैसे बनवाते भी तो बनवाने का तो टाइम ही नहीं मिला पहली बात, तो इसीलिए पास से ही आए थे इस बार, और जाने टाइम में भी सीट खाली नहीं है तो मतलब पास से ही जाएंगे, तो मेरा कुछ ऐसा सीन था इस बार। बाकी कुछ दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि उस साइड मतलब नॉर्थ ईस्ट से जो भी ट्रेन आती है वो ज्यादा मतलब भीड़ नहीं रहता उसमें, बिहार आने के बाद ही मतलब जो है सो ज्यादा भीड़ उसमें आता है, तो तब तक बहुत सारा सीट खाली रहता है, तो हम तब तक उस पर बैठ के आ जाते हैं आराम से।